नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल जी आर पूनिया में। आपकी तैयारी और कैसी चली, आप कैसे हो? तो इस वीडियो को दुर्ग से संबंधित ये वीडियो लेके आए हैं, आपको कैसा लगा ये कमेंट में फिर आपको ज़रूर बताना, और वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, स्किप मत करिए। सोनार गढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धांधवे दुर्ग। राजस्थान का जल दुर्ग है तो कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग, भैंस रोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। लोहागढ़ का उदाहरण है, पारिक दुर्ग है ये। लोहागढ़ कौन सा है? पारिक है। इसके चारों ओर एक खाई है जो जल से भरी हुई होती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आँख कहते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा कटारगढ़। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसीने। अन्य सब दुर्ग नंगे है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अब्दुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहा था? तो रणथंबोर सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन, सवाई माधो सिद्दीते ने किस दुर्ग में अपने 9 पासवानों के लिए जैसे 9 महल बनवाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा नारगढ़। गढ़ बिडली राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो कौन से गढ़ को कहा जाता है? तारागढ़, अजमेर वाले दुर्ग को गढ़ बिडली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। मीरान साहब की दरगाह स्थित है शेरगढ़ बारा में। म्यूर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि कहा जाता है मेहरानगढ़ को। मीठे साह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरौन दुर्ग में झालावाड़। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है सोनारगढ़। घोड़े की मज़ार स्थित है तारागढ़ अजमेर में। मीठे साह की दरगाह स्थित है गागरौन दुर्ग झालावाड़ में। मीठे साह की दरगाह स्थित है तोपखाना मस्जिद। तोपखाना मस्जिद है जालौर में। एक मीनार मस्जिद है जोधपुर में। इंदिरा गांधी ने आपातकालीन के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई वह कौन सा था? जयगढ़। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। किपलिंग ने परियों और देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? मेहरानगढ़। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बटाडू का कुआं बाड़मेर में, इसको जल महल रेगिस्तान का कहा जाता है। चौखी बावड़ी बाईराज की बावड़ी स्थित है बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है ये। जगन्नाथ कछवा की छतरी स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तिरिया तेल हमीर हट चड्डे नाथ दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंबोर स्वयं माधोपुर। अमीर देव चौहान के बारे में कहा ये किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे है वो जबकि वह बख्तरबंद है? तो रणथंबोर का किला। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय शतम कीर्ति शतम के निर्माता है राणा कुंभा। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? भैंसरोड़गढ़ को। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे ऊपर देखने से सिर की पगड़ी भी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा है अब्दुल फजल ने। जाली रानी का महल या महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में। अमला मेणी का महल स्थित है किस जिले में? कोटा में। सुकरनीति में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग किसे माना जाता है? शनि दुर्ग को। चील का टेला किस दुर्ग को कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को चील का टेला कहा जाता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। सुपारी महल व जोरा बोरा रणथंबोर दुर्ग में। भोंगराथल नामक प्रसिद्ध स्थान है अचलगढ़ दुर्ग में। कौन सा विकल्प उन 6 किलों का है जिनका चयन यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरौन, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर का किला। गोरा बादल महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। दूध की बावड़ी स्थित है सिरोही में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।